नमस्कार दोस्तों, हमारी इस गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। हम हमारी इस चैनल के ज़रिए गार्डन में कुदरती खाद के मदद से सब्जी और सलाद में यूज़ होने वाली सब्जियाँ उगाने के तरीके बताते हैं। अब दूसरी बातें न करते हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है बीट रूट, यानी कि चुकंदर को कुदरती खाद की मदद से कैसे उगाएं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हमें ज़मीन को खोद लेना है और उसकी मिट्टी को अलग थलग करके 24 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो अतिरिक्त नमी होती है वो दूर हो जाती है। 24 घंटों के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मिट्टी पूरी तरह सूख गई है। तो बस अब हमें यहाँ पे बीटरूट के बीजों की बुआई करनी है। बीटरूट के बीज ऐसे तो सामान्य रूप से पालक के बीजों जैसे ही होते हैं। अगर पास पास में रख दिए जाए तो पता चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन बीजों की बुआई करते हैं। बीजों की बुआई करने के लिए सबसे पहले हमें एक लकड़ी की मदद से ऐसे आधे इंच गहरी लाइन बना देनी है। यहां मैं ज्यादा बीज नहीं बो रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने घर के लिए पहले से ही बीटरूट को उगा लिया है। अब हम हमारे हाथ में बीटरूट के बीजों को लेते हैं और इस तरह बीजों को एक दूसरे से 2 से 3 इंच की दूरी पर बो देते हैं। जब हमारी बुआई पूरी हो जाए तब हमें इन बीजों के ऊपर हल्की सी मिट्टी की एक परत लगा देनी है। इतना काम खत्म करने के बाद आप अपने घर पे तैयार की गई या तो बाजार से लाई हुई कुदरती खाद को बीजों के ऊपर डाल दें, जैसे हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। खाद डालने के बाद हमें अब यहाँ पानी देना है। पानी देने से खाद जमीन की मिट्टी में एकरस हो जाएगी और थोड़े दिनों में इनके पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। चार से पांच दिनों बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बीटरूट के पौधे उग गए हैं। बस अब हमें इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार पानी देना है। और जब यह अपनी तय मात्रा की साइज के हो जाए और हमें लगे कि यह जमीन में से अब निकालने के लिए तैयार हो गए हैं, तब हमें इन्हें जमीन में से निकाल लेना है।